हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप हाथ पैरों पे से, गर्दन पे से, घुटनों पे से किस तरीके से धूल मिट्टी, सालों से जमी हुई गंदगी, ड्राइनेस को, एक्ने की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आपकी फिंगर्स जो है वो भी काली पड़ने लगी हैं, तो अगर आप इस नुस्खे को ट्राई करेंगे तो वो हो जाएंगे गोरी, चमकदार और सुंदर। इस नुस्खे के एक ही बार के इस्तेमाल से आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिला है इसका। और इस नुस्खे को बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी है, आप बहुत ही इजिली इसको बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस नुस्खे को बनाने स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले लीजिए और इसके अंदर जो हम फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध, जो कि हर किसी के घर में होता है। लेकिन अगर आपने दूध को बॉईल कर लिया है तो आप दूध को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हैं। दूध तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। अगर दूध की आप अपने चेहरे पर भी मसाज करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, ये चेहरे को निखार देता है। उसी तरह से ये हाथ पैरों को भी सुंदर बनाने में, गोरा बनाने में भी हेल्प करता है। ये गंदगी दूर करके हाथ पैरों को गोरा और चमकदार बना देता है। तो हमें यहाँ पे 3 चम्मच दूध ऐड करना है। दूसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे इनो, हमें यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर इनो ऐड करना है। इनो का मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये मैल को बहुत जल्दी काटता है। 1 चम्मच के करीब हम इनो ऐड करेंगे, 1 चम्मच के बराबर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब इनो नॉर्मल हो जाए तब आपको इसे यूज करना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, यानी कि ये स्क्रबिंग है। और अभी मैं आपको दूसरा स्टेप भी बताऊंगी, पहले अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से लगाना है। आपको कॉटन की सहायता से इसको यूज करना है या फिर आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, बस आपको कॉटन को इसके अंदर अच्छे से डिप करना है और इसको आपको चेहरे पे यूज नहीं करना है। हाथ पैरों पे से आपके जहाँ पर भी कालापन है वहाँ पर आप इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए, अपने फिंगर्स पर, अपने नेल्स पर और साथ ही अपने पैर, हाथ पैरों पे, गर्दन पे, घुटनों पर और साथ ही कोहनी पर भी। चेहरे को छोड़ के आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जहाँ भी आपके कालापन हो। अच्छे से इसकी मसाज भी करनी है आपको 1 से 2 मिनट तक। और मसाज करने के बाद अब इसे आपको 5 मिनट तक लगे रहने देना है। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं और अब आपको वॉश कर लेना है जहाँ पर भी आपने इसका अप्लाई किया है। तो मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया है और मैं आपको इसका दूसरा स्टेप भी बता देती हूँ। दूसरे स्टेप को बनाने के लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे यहाँ पे है कोलगेट। आप कोई भी कोलगेट ले सकते हैं जो भी आपके घर में हो या जो भी आपको पसंद हो। 1 चम्मच के करीब ही हम यहाँ पे कोलगेट को भी ऐड कर देंगे। और जो दूसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो है शैम्पू, कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं। शैम्पू का 1 पाउच हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर ही शैम्पू है। तीसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, 1 चम्मच के करीब हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा भी ऐड करना है, इतनी मात्रा में आपको ऐड करना है। 2 चम्मच हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। और लास्ट में 2 से 3 चम्मच दूध मिला हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा स्मूथ पेस्ट ही बनके रेडी हो चुका है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। बस आपको इसे लेना है और अच्छे से इसको अप्लाई करना है। जिस जगह पे आपने फर्स्ट स्टेप को यूज़ किया था उसी जगह पे आप इसको लगा लीजिए। यह नुस्खा आपको मेडिक्योर और पेडिक्योर से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही ईजिली बन जाता है, बहुत ईजिली आप इसको बना सकते हैं। अच्छे से अप्लाई करने के बाद 5 मिनट तक इसको लगे रहने देना है
और फिर आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। फिर आप इसका रिज़ल्ट जो देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि कितना अच्छा रिज़ल्ट इसका आपको मिला है एक ही बार में। या आपके हाथ पैर पर से सारी की सारी ड्राइनेस को दूर कर देगा, साथ ही कालापन जो जमा हुआ होता है उसे भी ये दूर करने में बहुत हेल्प करेगा। इसको आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए लगे रहने देती हूँ। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं अपने हाथ को वॉश करके आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अपने हाथ को वॉश करके आ गई हूँ और अब आप रिज़ल्ट देख सकते हैं एक ही बार के इस्तेमाल से कितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे इसका मिला है। ये देखिए, मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि मुझे इसका इसने मुझे इसका इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। आप भी ट्राई ज़रूर करके देखिएगा इसे। फ्रेंड्स इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है। चेहरे को छोड़ के आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। हम जो पार्लर में जाके मेडिक्योर या पेडिक्योर कराते हैं अपने हाथ पैरों पे, अपने हाथ पैरों को सुंदर और गोरा बनाने के लिए, आप इसको घर पे ही बनाकर कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से जाके इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई आपके लिए नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उसका तुरंत फ़ायदा उठा सके। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।